नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेणुमा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना हल करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यह एक पंचभुज है और इस पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है कि इस पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री है। मान लेते हैं प्रत्येक कोण कितने डिग्री है, x डिग्री है। अपने को x का मान ज्ञात करना है। हल बहुभुज के कोण योग गुणधर्म से। अब बहुभुज के अंदर जब कोणों का मान ज्ञात करना हो, कोण का, तो बहुभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। यहां पर n जो है वो कितना है, 5 भुजाएं हैं, इसलिए n क्या हो गया, 5। तो बराबर 5-2 × 180 डिग्री। 5 में से 2 घटाए कितने रह गए, 3। 3 × 180 डिग्री, गुणा कर दीजिए 180 को 18 दिया 54, 540 डिग्री। यानी कि पंच बहुभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है। अब अपने क्या करेंगे कि इन सभी कोणों का जो योग है वो 540 है, तो ये जितने भी कोण जो एक्स है उनको जोड़ देंगे। अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और कोण ई का योग होगा वो सभी का कितना होगा, 540 डिग्री। चूंकि यहां सभी कोण भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या है, बराबर है, एक सम बहुभुज है ये। तो ये 5 कितने एक्स हो गए, प्रत्येक कोण की जगह एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स बराबर 540 डिग्री। या यहां पर देखिए 5x है तो जुड़ जाएंगे 5x बराबर 540। या अब x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 540, ये 5 किस में आ जाएगा, भाग में, भाग दे दीजिए 5 × 5, इधर क्या बचेगा 0, 5 × 8 = 40। यानी x का मान कितना डिग्री आ गया, 108 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, यानी कि इस जो पंच बहुभुज है इसके प्रत्येक कोण का मान 108 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 7। एक आकृति दी हुई है त्रिभुज की, उस त्रिभुज के अंदर x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये कोण x, y और z तीनों ही बाह्य कोण है, इनका अपने मान ज्ञात करेंगे। तो हल हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जितने भी रैखिक युग्म के कोण बढ़ेंगे उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए रैखिक युग्म के कोण बढ़ रहे हैं, जेड प्लस 30 ये रैखिक युग्म का कोण है, इधर 90 प्लस एक्स ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं, और इधर जो अपने ये ज्ञात करेंगे वो और वाई ये भी रैखिक युग्म के कोण है। तो यहां से जेड का मान ज्ञात कर लेते हैं। अतः देखिए जेड प्लस 30 इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो जेड प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, या जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 ये 30 इधर आ गया माइनस का 30, या जेड बराबर कितने बच गए, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री, ये जेड का मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक्स का मान ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है ये दोनों ही, तो इसी प्रकार 90 प्लस एक्स इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, या एक्स इधर रखेंगे
एक्स बराबर 180 डिग्री, 90 इधर चला जाएगा माइनस के 90, 180 में से 90 घटा लीजिए या एक्स बराबर कितने बच गए 90 डिग्री, तो एक्स का कोण जो एक्स का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। जेड और एक्स के मान हो गए, अब वाई का मान, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो आसन कोणों का योग उसके दो आसन अंतःकोण, अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये त्रिभुज की बाह्य कोण गुणधर्म है कि कोई भी त्रिभुज है उसके दो आसन जो कोण हैं उनका जो योग है वो उस त्रिभुज जो बाह्य कोण है उसके बराबर होता है। तो जो y कोण है वो किसके बराबर होगा 30 प्लस 90 डिग्री, 30 प्लस 90 या y बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से अपने x, y और z के मान ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट टू है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, उसमें w, x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस n का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कोण n प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये क्यों होते हैं चारों कोणों का योग, यहां लिख दोगे चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से। क्या होता है ये कोण योग गुणधर्म, कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां पे जोड़ लीजिए, ये n है तो बाकी जोड़ लीजिए, n का n रहेगा प्लस 0, 8 6 14 और 2 16, 1 2, 260 डिग्री बराबर दाएं पक्ष में है 360, या n बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ये 260 इधर आएगा तो माइनस का 260, या n बराबर घटा दीजिए कितने बचेंगे 0, 0 और 1, 100 डिग्री। तो n का मान कितना आ गया 100 डिग्री। अब आप देखिए कि ये n हो गया 100 डिग्री। अब ये सारे बाह्य कोण ज्ञात करने हैं और चारों के चारों रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए चार रैखिक युग्म बन रहे हैं, तो पहला यहां से शुरू करते हैं अपने, x प्लस 120 डिग्री बराबर 180, इन दोनों का योग कितना होता है 180, इसको समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार दूसरा देखिए, y प्लस 80 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है, इसे समीकरण नंबर दो दे देना है, क्योंकि इस चारों के चारों क्या है रैखिक युग्म के कोण है। तीसरा है z प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है। और चौथा है w प्लस 100 डिग्री, w प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए अपने को ज्ञात क्या करना है, कि इस समीकरण में x प्लस y प्लस z प्लस w का मान ज्ञात करना है, तो इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, इससे इनका मान ज्ञात हो जाएगा। अतः चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों को जोड़ देंगे तो देखिए चारों को जोड़ेंगे तो x प्लस 120 प्लस y प्लस 80 प्लस z प्लस 60 डिग्री प्लस w प्लस 100 डिग्री बराबर इधर 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री।
जोड़ दीजिए, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस, अंकों को अलग से जोड़ देते हैं, जीरो का जीरो, दूसरी सेकंड जीरो, छह और आठ चौदह और दो सोलह, एक दो और एक तीन, 360 डिग्री बराबर। यहां देखिए 18 दुना 36 दुना 72, यानी इनको अगर जोड़ोगे तो 720 डिग्री आएगा, या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 360 को दाएं पक्ष में ले आएंगे तो दाएं पक्ष में लाने पे ये माइनस का हो जाएगा, या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू घटा दीजिए, जीरो, 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 3 गए 3, तो इन सभी का जो योग है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का जो योग है वो 360 डिग्री हो जाता है, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में समझाए गए सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।